हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था एक पाइप क्या होता है और पाइप और ट्यूब के बीच में क्या डिफरेंस होता है अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप या फिर पाइप्स के क्लासिफिकेशन के बारे में जैसे कि आपने सुना होगा सिमलेस पाइप होता है और एक वेल्डेड पाइप होता है सो so, ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स जो है यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा सो so, पाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पाइप को जो है क्लासिफाइड किया गया है टू टाइप्स में पहला टाइप है सीमलेस पाइप और दूसरा टाइप है सीम या फिर वेल्डेड पाइप पहले हम देखते हैं वॉट इज सीमलेस पाइप सीमलेस पाइप का मतलब है कि विदाउट एनी सीम या फिर विदाउट एनी वेल्डिंग जब एक पाइप को प्रोड्यूस किया जाता है तो ऐसे पाइप को बोला जाता है सीमलेस पाइप सीमलेस पाइप को प्रोड्यूस करने के लिए एक रॉ स्टील रॉड को जो है हीट किया जाता है उसको हम बोलते हैं बिलेट सो बिलेट को जो है स्ट्रेच किया जाता है अगेंस्ट द मैंड्रल जब एक मैंड्रल के अगेंस्ट एक स्टील रॉड को स्ट्रेच किया जाता है तो एक पाइप के शेप में जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है मैंड्रल का जो साइज है वो डिपेंड करता है पाइप के इनसाइड डायमीटर के ऊपर सीमलेस पाइप को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए थ्री डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूज करते हैं पहला है मैनरल मिल प्रोसेस दूसरा है मैंसमैन प्लग मिल प्रोसेस और तीसरा है सबसे कॉमन एक्सट्रूशन प्रोसेस सो सीमलेस पाइप को इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और विदाउट एनी वेल्डिंग या फिर विदाउट एनी सीम जो है एक पाइप को प्रोड्यूस किया जाता है सो आफ्टर प्रोड्यूसिंग जो है इसका एनडीटी और इसका हाइड्रोटेस्ट करके जो है कस्टमर्स को जो है सप्लाई किया जाता है दूसरे कैटेगरी का जो पाइप है वो है सीम या फिर वेल्डेड पाइप यानी कि वेल्डिंग करके जो है एक पाइप को जो है प्रोड्यूस किया जाता है वेल्डेड पाइप को प्रोड्यूस करने के लिए फैब्रिकेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है जहाँ पे एक प्लेट को रोल करके कोल्ड फॉर्मिंग करके एक पाइप के शेप में प्रोड्यूस किया जाता है और विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग यहाँ पे दो प्लेट को ज्वाइन करते हैं और एक पाइप जो है प्रोड्यूस किया जाता है पाइप को वेल्डिंग करने के लिए डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है सो so, इसी वेल्डिंग प्रोसेस के लिए जो है पाइप को वेल्डेड पाइप को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है टू डिफरेंट कैटेगरीज़ में पहला जो कैटेगरी है वो है सब आर्क वेल्डेड पाइप यानी कि एस ए डब्ल्यू और दूसरा है ई आर डब्ल्यू एंड ई एफ डब्ल्यू यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग और इलेक्ट्रिकल फ्यूजन वेल्डिंग पहले देखते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग यानी कि ई आर डब्ल्यू ई आर डब्ल्यू में जो है प्लेट को कोल्ड फॉर्मिंग का मेथड यूज करके प्लेट को रोल किया जाता है और प्लेट को जो है एक पाइप के शेप में प्रोड्यूस करने के बाद विदाउट द यूज ऑफ फिलर मेटल यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग का यूज़ करके एक पाइप को प्रोड्यूस किया जाता है सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पाइप ऐसे पाइप को हम बोलते हैं ई आर डब्ल्यू पाइप और ई आर डब्ल्यू को परफॉर्म करने के लिए टू डिफरेंट वेल्डिंग मेथड है पहला है हाई फ्रीकुंसी वेल्डिंग और दूसरा है लो फ्रिक्वेंसी वेल्डिंग नेक्स्ट है ई यानी कि इलेक्ट्रिकल फ्यूजन वेल्डिंग यहाँ पे भी जो है विदाउट द यूज़ ऑफ फिलर मेटल ई के वेल्डिंग प्रोसेस को यूज़ करके एक पाइप को प्रोड्यूस किया जाता है एज़ कम्पेयर टू ई आर में जो है हीट अफेक्टेड जोन यानी कि एच रीजन जो है बहुत ही स्मॉल होता है और डिस्टॉर्शन भी होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और दूसरा जो पाइप को वेल्डिंग करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस सबमस्ट आर्क वेल्डिंग पाइप को प्रोड्यूस करने के लिए प्लेट को रोल किया जाता है और विद द हेल्प ऑफ फिलर वायर दो प्लेट को ज्वाइन किया जाता है सबमस्ट आर्क वेल्डेड पाइप को प्रोड्यूस करने के लिए टू डिफरेंट सीम्स का यूज करते हैं पहला जो है वो है स्ट्रेट सीम और दूसरा है हेलिकल या फिर स्पाइरल सीम हेलिकल या फिर स्पाइरल सीम को प्रोड्यूस करने के लिए प्लेट या फिर एक स्ट्रिप को जो है ट्विस्ट करके एक पाइप के शेप में प्रोड्यूस किया जाता है और वेल्डिंग करके जो है ऐसे पाइप को जो है प्रोड्यूस किया जाता है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट सिम पाइप प्रोडक्शन कॉस्ट जो है हेलिकल सिम का ज़्यादा होता है और लो प्रेशर सर्विस में ही जो है ऐसे पाइप को यूज़ किया जाता है जैसे कि वाटर लाइन में इसको यूज़ किया जाता है और दूसरा है स्ट्रेट सिम स्ट्रेट सिम यानी कि लॉन्जिट्यूडनल सिम भी इसको बोला जाता है यहाँ पे स्ट्रेट सिम में भी जो है टू डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं पहला होता है सिंगल सिम और दूसरा है डबल सिम सिंगल सिम का मतलब है लॉन्जिट्यूडनल सीम यानी कि एक सिंगल प्लेट को जो है रोल किया जाता है और एक सिंगल वेल्डिंग से जो है इसको कंप्लीट किया जाता है यानी कि एक पाइप को प्रोड्यूस करने के लिए एक सिंगल सीम का यूज़ करते हैं नेक्स्ट है डबल सीम और डबल सीम का मतलब है टू डिफरेंट प्लेट को यूज़ करके जो है एक पाइप को प्रोड्यूस किया जाता है डबल सीम जो है यूजुअली लार्जर डायमीटर के लिए यूज़ किया जाता है और सिंगल सीम जो है यूजुअली स्मॉलर डायमीटर के लिए यूज़ किया जाता है तो so, ये थे ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में